हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग ये देखिए ये वाली बेल बनाना सीखेंगे। ये हमने 2 प्लाई ऊन से बनाया है और ये वाला यही डिज़ाइन बिल्कुल ये रेशमी धागे से बनाया है। तो आज ये मैं आपको सिखाऊंगी कि ये कैसे बनेगी। इसका बहुत सारा उपयोग है, आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, आगे मैं बताऊंगी कि मैंने इसे क्या बनाया है। चलिए फिर इसको हम लोग बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने वही क्रोशिया लिया हुआ है और मैं आपको ऊन से बताऊंगी, तो ऊन लिया हुआ है। इसके लिए पहले मैजिक रिंग बनाइए। और फिर 3 चेन, 1, 2, 3 चेन। 3 चेन बनाने के बाद क्रोशिए पे लिया हमने धागे को और ये पहली वाली चेन में डाल के 1 डबल क्रोशिया। तो ये हमारा हुक जैसा बन जाता है, ये देखिए होल जैसा ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, 1, 2, 3 चेन बनाएंगे। देखिए 3 चेन बनाया और इसके बाद इसी होल में 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1, 2। तो ये हमने 3 चेन बनाया था और ये 2 और बनाया, ये मिलके हमारे 3 डबल क्रोशिया हो गए। अब हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बना लिया और इसी होल में 3 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। 1, 2, 3। ये देखिए बन गया। अब हम 4 चेन बनाएंगे। 1, 2, 3, 4। 4 चेन बना लिया हमने। अब इसको ऐसे पलट देंगे। फिर इसी होल में बनाएंगे। ये क्रोशिए पे ले लिया हमने धागे को और इस होल में डाल के 3 डबल क्रोशिया। 1, 2, 3। 3 डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन, फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया। ये देखिए तीन बन गए। अब फिर 4 चेन, 1, 2, 3, 4। बस समझ लीजिए यही है डिज़ाइन, बहुत आसान सी डिज़ाइन है। देखा आपने कितना आसान है। 1, 2, 3। 3 डबल क्रोशिया बनाया और फिर 2 चेन, फिर इसी में 3 डबल क्रोशिया और। ये देखिए बननी शुरू हुई बेल। ये जो मैं बना रही हूँ तीन तीन, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकती हैं। आप 2 डबल क्रोशिया बना के 2 चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया बना सकती हैं, 4 भी बना सकती हैं। आपको जितनी चौड़ी और पतली चाहिए बेल, उस हिसाब से डबल क्रोशिया बनाइए। 4 चेन हो गया, फिर इसको इससे पलट देंगे इसी होल में, फिर 3 डबल क्रोशिया। 1, 2, 3। फिर क्या करेंगे, 2 चेन, इसी होल में 3 डबल क्रोशिया। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इस डिज़ाइन से मैंने क्या बनाया है। अभी इसको मैं जोड़ना भी बताऊँगी आपको, 2 बेल को जोड़ेंगे कैसे। थोड़ा सा पहले ये सीख लीजिए।
दो और तीन, फिर चार चेन, एक दो तीन चार। बस ऐसे बनाते बनाते ये देखिए बन गई बेल। ऐसे बनाते बनाते हमें जितनी बड़ी चाहिए उतनी लंबी बना लेनी है। अगर हम कुछ भी बना रहे हैं, जैसे टीवी कवर बना रहे हैं तो टीवी की लंबाई के बराबर बना लेंगे, कुशन कवर बना रहे हैं तो उसकी लंबाई के बना लेंगे, बेडशीट बना रहे हैं तो चादर की लंबाई की ऐसे बना लेंगे। ये देखिए जैसे हमने ये बना के रखा है इतना बड़ा बड़ा, ये देखिए कितनी बड़ी है, और ये देखिए। अभी मैं आपको इन दोनों को जोड़ना बताऊंगी, फिर इससे आप कुछ भी बनाना चाहें, कोई भी प्रोजेक्ट तो आप बना सकती हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था कि मैंने क्या बनाया है, अभी आपको बताऊंगी। ये मैंने कुशन कवर बनाया है, देखिए आप भी कुशन कवर बनाइए, या इससे आप बेडशीट भी बना सकती हैं, टीवी कवर भी बना सकती हैं। जैसा कि अभी मैंने बताया था कि आपको जो भी चीज़ बनानी है उतनी लंबी ये बेल बना लेनी है। इसके बाद दो बेल बना के ये ज्वाइन किया हुआ है, अभी मैं इसको आपको जोड़ना बताऊंगी कि कैसे जोड़ा जाएगा। ये देखिए ऐसे लंबी लंबी बेल है, फिर इसको बीच में हमने जोड़ा है। चलिए फिर इसको हम लोग सीखते हैं कि कैसे ये दो बेल को कैसे जोड़ा जाएगा। ये देखिए इसको जोड़ने के लिए हम दो बेल लेंगे, एक में ये देखिए ये जैसे धागा है, या तो इसमें जोड़ लीजिए आप और नहीं तो नया धागा लगा लीजिए, ये यहाँ पे इसको लगा के फिर हमें तीन चेन बनाना है। इसको ऐसे जोड़ लीजिए अच्छे से, एक दो तीन, तीन चेन हमने बना लिया। अब दूसरी वाली इसको लेके ले, इसको सीधा उल्टा देख लीजिएगा, वैसे दोनों तरफ से सेम है लेकिन शुरुआत वाली जो सीधा उल्टा है उसको आप ध्यान में रख लीजिएगा। इसको लेने के बाद ये जो हमने चार फंदों वाला हुक बनाया है, इसमें इसको ये सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर एक दो तीन, तीन लिया, आप जितना चौड़ा रखना चाहें, तीन या चार जितना भी, तो हमने तीन रखा है। फिर इस वाले में ऐसे जोड़ दीजिए, फिर तीन चेन बनाइए, एक दो तीन, इधर वाले में इस हुक में जोड़ दीजिए, फिर तीन चेन, एक दो तीन चेन, इधर दूसरी वाली हुक के इसमें जोड़ दीजिए। ये देखिए ऐसे जुड़ के आ रहा है। चलिए एक बार और बता देती हूँ मैं आपको इसको खोल के कि कैसे जोड़ेंगे। देखिए जो हमारी पहली बेल है उसमें यहाँ पे नीचे हम ऊन या धागा जिससे भी बना रहे हैं उसको जोड़ के तीन चेन बना लेंगे। ये बन गया। इसके बाद दूसरी बेल लेंगे, उसका ये जो हुक है, देखिए चार चेन का हुक हम बनाते आ रहे हैं ना, तो इस चार चेन वाले में ऐसे क्रोशिया डाल के ये जो हुक है इसमें इसको सिंगल क्रोशिया से अटैच कर देंगे। ये देखिए फिर हम तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाने के बाद ये इसको आप ऐसे पकड़ लीजिए, आपको और आसानी रहेगी, दूसरे इसमें जोड़ दीजिए इसको सिंगल क्रोशिया से, फिर तीन चेन, एक दो तीन चेन, इस वाले हुक में देखिए ये इसमें जोड़ दीजिए, फिर तीन चेन, एक दो तीन, तीन चेन इधर वाले में, एक बार इस बेल में एक बार उस बेल में, यानी दोनों को हमें ऐसे क्रॉस करते हुए जोड़ना है, एक दो तीन।
1 2 3। बहुत आसान है ये, आप इससे कुछ भी बनाइए। देखिए मैंने कुशन कवर बनाया है, आप बेडशीट भी बना सकती हैं, और बहुत जल्दी बनता है क्योंकि एक ही लाइन की डिज़ाइन है ये। बस ये तो किसी को क्रोशिया चलाना आता हो वो भी बना सकता है, तो आप इसको ट्राई ज़रूर करिए, बहुत अच्छा लगेगा बनके। जैसा कि आपको कुशन कवर दिख रहा है, ये देखिए ये प्यारी लग रही डिज़ाइन। तो दोस्तों कैसे लगा ये मेरा लेस और कुशन कवर, तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट भी कर दिया करिए और पूरी वीडियो वॉच किया करिए। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।